जो फोटो खींचा गया वो भी तो किसी मदरसे ने खींचा गया। मारो सलाम लेकिन घर घर में से बैठी उठेगी, मैं बता रहा हूँ एक बार बताओ, आज चार दिन से यहाँ तार लगा के आराम से हुआ है, किस दिन बाद आके सामान बैठा के ले जाएगा यहाँ से उठा के? क्या हो रही है बताइए, आप हमें धमका रहे हो, दो दिन के बाद हम फिर दोबारा यहीं मिलेंगे और उसके बाद हम फिर घर नहीं जाएंगे, ध्यान रख लेना इस बात को। कोई ताले नहीं तोड़वाए घर में, किसी बच्ची थोड़ा हो गया, कोई ताले नहीं तोड़वाए, सारे कमाने वाले नहीं आते लोगों के समाज के बीच में आए भाई साहब, हम लोग ठीक है, चलो चलो सारे पंडित जी कहा है ये कुछ दिनों पहले यहीं से एक लड़की गायब हुई थी, पहले मुकदमा लिखा हुआ था दिल्ली में, तो दिल्ली पुलिस ने एक लड़की को यहाँ से बरामद किया था, तो स्थानीय मदरसे के मौलवी थे उसमें, वो एक तरह से उनके ऊपर एलिगेशन था, तो आज कुछ संगठन के लोग आए थे यहाँ पे और एक व्यक्ति हैं जो अभी उनका मौलवी बताया जा रहा है, तो उनके यहाँ हल्के फुल्के उनके साथ बदतमीजी और तोड़फोड़ की गई, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। हाँ, वो जो वहाँ पे मिसक्रेंट मिले हैं उनको हिरासत में ले लिया गया। देखिए, जहाँ जहाँ भी हिंदुओं की बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है हम तो वहाँ जाते हैं, समाज के साथ खड़े हुए हैं, समाज हमारे साथ पूरी तरीके से है। मैं दूसरी बार बताने आया हूँ कि यहाँ पे 26 मदरसे हैं, 26 मदरसे पूरी तरीके से अवैध चल रहे हैं, लेकिन उनके पीछे किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ पे बहू बेटियों का, हमारी जितनी बहनें खड़ी हैं, आप इनका सबका समर्थन लीजिए, उनसे पूछिए कि उनका यहाँ से निकलना बढ़ना दूभर हो रहा है। अभी मौलवी के घर पर तोड़फोड़ की गई है, क्या है पूरा मामला, क्यों तोड़फोड़ की गई? देखिए, ये तो सबको पता है कि आज बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, बच्ची के साथ बलात्कार करा है, अभी तो यहाँ पे तोड़फोड़ हुई है, दो दिन के बाद आप देखिएगा हम सड़क पे लेटेंगे हम लोग, ठीक है जी। देखिए, दो दिन के बाद अगर कार्रवाई नहीं होती है, ये झूठे आश्वासन नहीं चलेंगे, पहले कार्रवाई नहीं होती है तो हम मिलेंगे सड़कों पे। दूसरी बात, अभी हमसे एक प्रश्न पूछा गया था कि इसे हिंदू मुसलमान रंग दिया जा रहा है, मैं कह रहा हूँ कि जरा हिंदू मुसलमान का रंग हिंदू संगठनों के ऊपर आप इल्जाम लगा सकते हैं, ठीक है? यहाँ की जितनी बहनें हैं ये तो पॉलिटिकल नहीं है। अच्छा, अगर हम बात करें कि ये जो आपने प्रोटेस्ट किया है, जो तोड़फोड़ किया, इसे शांतिपूर्वक भी आप कर सकते थे, ये बलात्कार शांतिपूर्वक हुआ था जी? ये एक हफ्ते, ये जो बलात्कार हुआ है ये शांतिपूर्वक हुआ है? किसी के साथ, बेटी के साथ बलात्कार हुआ, शांतिपूर्वक? क्या पुलिस यहाँ पे दंड देती है?